दोस्तों, अगर आप जीरोधा में, अप स्टॉक्स में, फाइव पैसा में, फायर्स में और आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करवाना है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए। अगर आप इनमें किसी में भी अगर आप अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं हमारे अंडर में, तो हम आपको 10,000 का जो हमारा कोर्स मटेरियल है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। प्लस मैं आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन करूँगा, जहाँ पर मैं डेली आपको 3 से 4 इंट्राडे की कॉल्स दूंगा, जिसपे अपडेट करके। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों, स्टॉक विजार्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए एक स्टॉक लेके आया हूँ, काफ़ी शानदार स्टॉक है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में भी आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टॉक का नाम है पी आई इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसको किसी ने रिकमेंड किया था कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, उनका नाम शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, इसके लिए सॉरी। तो चलिए, कोई बात नहीं है, नाम नहीं याद आ रहा है तो भी वीडियो बना देते हैं उनके ऊपर। तो देखिए, इसका मार्केट कैप है 14,615 करोड़, जो कि एक मिड कैप स्टॉक है और इसका करंट प्राइस चल रहा है 1,059 रुपये। 52 वीक इसका हाई है 1,089 रुपये और 52 वीक लो है 675 रुपये, जो कि अपने हाई से बिल्कुल करीब ही है, लगभग 20-30 रुपये ऊपर है नीचे। इसका बुक वैल्यू है देखिए 146 रुपये, स्टॉक का पी है इसका, देखिए डिविडेंड पी है इसका 37 और डिविडेंड यील्ड है 0.38%। ROC है इसका 25%, ROE है 20%। सेल्स ग्रोथ है कि पिछले 3 साल में मात्र 5.5% की इसकी सेल्स ग्रोथ है और फेस वैल्यू है 1 रुपये। तो इसके देखिए लॉन्ग टर्म में हम चार्ट देख लेते हैं कि कैसा चार्ट है ये। देखिए लॉन्ग टर्म में इसका चार्ट काफ़ी शानदार है, जो कि मुझे पसंद आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अप डाउन की जो संभावना है थोड़ा सा ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर इसने हाई कितना बनाया था 1,000 रुपये का, फिर यहाँ पर इसने लो बनाया था कितना देख रहे हैं 700 रुपये का, लगभग 30% का यहाँ पे गिरावट हो गई है। तो इतना ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टॉक में। देखिए यहाँ 900 का हाई था और इसके बाद यहाँ पे लो कितने का बनाया इसने, 723 रुपये का। ये तो चलो ठीक है थोड़ा सा, लेकिन ये वाली गिरावट बहुत ज़्यादा बड़ी है इसकी, तो चलेगा कोई बात नहीं यहाँ पे। तो इसका आगे का देखते हैं हम लोग। कंपनी है रजिस्टर्ड डेब्ट फ्री कंपनी है और आगे देखते हैं एग्रो केमिकल इसका सेक्टर है, केमिकल से एग्रो कृषि के रिलेटेड इसका स्टॉक है और UPL की पहली इंडस्ट्री है इस समय, इस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है UPL और उसके बाद PI इंडस्ट्रीज अपने सेक्टर में दूसरे नंबर की कंपनी आती है ये। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट अगर इसका हम देखेंगे तो देखिए 2016 में इसकी सेल्स ग्रोथ थी 584 करोड़ और देखिए 500 से 600 700 और 708 करोड़ की इसका 2018 में सेल्स ग्रोथ थी। और आगे देख लेते हैं हम लोग इसका नेट प्रॉफिट, देखिए 96 करोड़ था 2016 में और 107 करोड़ है 2018 में। तो देखिए यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हुई है, 500 से 700 हुई है, 584 करोड़ थी ही लगभग 600 करोड़ और 700 करोड़ अभी है, मात्र 100 करोड़ का इसका सेल्स बढ़ाएँ और 96 और ये 11 करोड़ का इसका प्रॉफिट बढ़ा है पिछले 3 सालों में। और सेल्स ग्रोथ का देखते हैं हम ओवरऑल, तो 318 करोड़ का हुआ था मार्च 2007 में और अभी 318 करोड़ से अभी 10 साल में 2661 करोड़ का इसका सेल्स हुआ है। नेट प्रॉफिट थी देखिए 4 करोड़ था 2007 में, फिर देखिए अभी 389 करोड़ प्रॉफिट चल रहे हैं 2019 में। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में तो ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी शानदार दिख रही है मुझे। और इसका पिछले 10 साल का हम देखेंगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो पिछले 10 साल में रहा है 19%, पिछले 5 साल में रहा है 14% और पिछले 3 साल में रहा है 5% का इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका देखते हैं तो पिछले 10 साल में 60% के शानदार इसने प्रॉफिट ग्रोथ किया है और पिछले 5 साल में देखिए 30% का और पिछले 3 साल में 13% का। रिटर्न ऑन इक्विटी हम इसका देखते हैं, पिछले 10 साल में था इसका 28% का और पिछले 5 साल में था 28% का और पिछले 3 साल में था 27% का। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा चार्ट पे लेके चलता हूँ और दिखा देता हूँ कि आपको इसमें एंट्री कब करना है, अभी हाई पे चल रहा है या लो पे चल रहा है, किस सपोर्ट पे हमें एंट्री करना चाहिए, किस रेजिस्टेंस पे हमें एग्जिट करना चाहिए। और उसके बाद हम इसके रिटर्न भी दिखाएंगे, जो कि मैं हर वीडियो में हर स्टॉक के ऊपर बिताता हूँ और आप लोग को दिखाता भी हूँ। ठीक है, तो चलिए हम काइट के प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने खोल लिया है पी आई इंडस्ट्रीज़ का और इसका 1 मंथ का चार्ट हमने देख रहा है, हम देख रहे हैं पी आई इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं
और वन मंथ के चार्ट पे इसने काफ़ी शानदार इसके चार्ट बने हुए हैं, जो कि 45 डिग्री के एंगल को बिल्कुल पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। इस कोने से नीचे वाले कोने से ऊपर वाले कोने को बिल्कुल साफ लेके जा रहा है। तो लेकिन ये चार्ट है हमारा वन मंथ का, और हम लोग देख रहे हैं इसमें 2011 तक का चार्ट हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम इसको वन डे पे सेलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि बाई पॉइंट कब बन रही है हमारी, ठीक है। तो देखिए ये काफ़ी अच्छे जगह पे खड़ा है और अपने रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए इसका पिछला रेजिस्टेंस का जो हाई था 1089 रुपये, और यहाँ पे इसका जो हाई था 1088.90 रुपये, और यहाँ 1089.85 रुपये, मात्र 5 पैसे दूर था अपने पिछले वाले रेजिस्टेंस से, अपने उसका हाई तोड़ने के लिए। लेकिन ये तोड़ेगा जल्दी ही और 1150-1150 का टारगेट आपको इजीली देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में जल्दी ही। तो आप यहाँ पे चाहें तो एंट्री कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए पीआई इंडस्ट्रीज में, बिल्कुल अच्छा मौका है। यहाँ पे देखिए सारे मूविंग एवरेज को ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, तो आप चाहें तो 1150 पे यहाँ पे एंट्री अगर मिले आपको तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, और टारगेट होगा आपका 1050 से लगभग 1110 का मान लीजिए। 5% ही रिटर्न हम बुक करेंगे, क्योंकि हम छोटे छोटे प्रॉफिट अगर बुक करते रहेंगे तो एक दिन हम बड़ा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि हमें बड़ा ही प्रॉफिट एक ही ट्रेड में हमें 25% या 30% का रिटर्न मिल जाए, जी नहीं दोस्तों। देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। अगर आप 5-5% के रिटर्न अगर छोटी छोटी क्वांटिटी में अगर ऐड करते रहते हैं तो आपको चलकर लॉन्ग टर्म में अगर 1 साल बाद आप देखेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे रिटर्न हो जाएंगे। और एक ही ट्रेड में अगर आप 25% का रिटर्न निकालने के लिए इंतजार करेंगे तो वो काफ़ी रिस्की ट्रेड होगा। अगर 5-5% आप 20 ट्रेड में निकालते हैं तो आपको 100% का रिटर्न मिल जाता है 1 साल के अंदर। और यहाँ पे हमारे ज़ीरोधा अप स्टॉक्स में अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहाँ पे कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं लगता है, आपको डिलीवरी फ्री है, कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ेगी। कुछ लोग सोचते होंगे कि सर हम अगर 1 साल में 20 ट्रेड करेंगे तो हमारी ब्रोकरेज कितने ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन दोस्तों अगर आपको अप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करवाना है तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करिए व्हाट्सएप पर, हम आपका अकाउंट हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा 5 मिनट के अंदर अप स्टॉक्स में, ठीक है, जिसमें आपको डिलीवरी फ्री है। मतलब आज खरीद के आप कल परसों बेचते हैं कोई भी स्टॉक, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने बता दिया जो कुछ भी था, 1058 पे यहाँ पे एंट्री अगर आप करते हैं 1050 के आसपास, और 1110 का मैं आप लोग को यहाँ पे टारगेट दे रहा हूँ जो कि 5% का टारगेट है। तो 5% जब भी हमें प्रॉफिट होगा हम वहाँ से एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसके रिटर्न भी आप लोग को दिखा देता हूँ लॉन्ग टर्म में किसने रिटर्न कितना दिया है। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको ज़ीरोधा के अपने जो पिटारा होता है मेरा, तो देखिए दोस्तों जो पिटारा होता है मेरा उस पर मैंने पीआई इंडस्ट्रीज का चार्ट खोल लिया है, और इसने देखिए 1 वीक में आपको 1% का रिटर्न दिया है, और 2 वीक में देखिए 3% का रिटर्न दिया है इसने, और 1 मंथ में देखिए 1% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, और 3 मंथ में इसके रिटर्न देखिए 26% के शानदार, मात्र 3 महीने में इसने 26% के रिटर्न दिए है, काफ़ी शानदार है, और 6 महीने में 31% के रिटर्न है, और 1 साल में ईयर टू डेट में देखिए 23% का रिटर्न है, और 1 साल में भी 23% का रिटर्न है। तो दोस्तों देखिए ये 20-23% का हमारे सुपर 30 के जो स्टॉक्स होते हैं वो 15% से लेकर आपको 60-70% तक का रिटर्न 1 साल में दिए हैं, और पिछले हर टाइम फ्रेम पे उन्होंने रिटर्न दिया है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमारे पास सुपर 30 के स्टॉक हैं, जो कि हम बहुत छोटा सा चार्ज लेते हैं, और हमारी टीम ने उसको सेलेक्ट करके रखा है कि जो आप अगर शॉर्ट टर्म भी करते हैं तो 5-10% का जब भी आपको रिटर्न मिलता है तो आप एग्जिट कर दीजिए, और आपकी कैपिटल को हम बताएंगे कि कौन से स्टॉक में कितना पैसे डालना है, क्योंकि मनी मैनेजमेंट ही सब कुछ होता है। अगर आपका मनी मैनेजमेंट सही है तो आपके लॉस भी मिनिमाइज हो जाते हैं। तो कोई भी रूल एक फॉलो करिए और उसी पर ट्रेड करिए, काफ़ी शानदार आप 1 साल में रिटर्न निकाल सकते हैं। अगर आपको 1 साल में 30% का भी रिटर्न अगर आपको मिलता है तो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा रिटर्न है 1 साल में 30% का रिटर्न। तो अगर आपको लिस्ट चाहिए तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करिए, एक छोटा सा चार्ज होता है, हम आपको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे और 1 महीने तक हम आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे जब आप हमसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन मेरा चैनल है, टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पर जाके मेरे टेलीग्राम को लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री कॉल्स मिलती रहती हैं हमेशा। तो देखिए इसने 3 साल के अंदर 65% का रिटर्न दिया है, और 5 साल के अंदर इसने 336% का रिटर्न दिया है, और 10 साल के अंदर इसने कितना रिटर्न दिया है देखिए 9,350%, शानदार है काफ़ी,
बहुत ही शानदार इसमें पिछले 10 साल में रिटर्न दिया है 9,350% के। तो ऐसे ऐसे स्टॉक मैं लाता रहता हूँ अपने वीडियो पर हमेशा, और हमारे पास सुपर 30 के जो स्टॉक हैं ऐसे ऐसे ही जो 1000% से लेकर 50,000% तक रिटर्न दिए हैं पिछले 10 साल में। अगर आपको स्टॉक लिस्ट चाहिए प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करिए, और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। लेकिन क्योंकि मैं ऐसे इन्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म के ऊपर ही वीडियो ज़्यादा लाता हूँ, तो देखिए इंट्राडे में आपको ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा। और इंट्राडे में कौन लोग खेलते हैं, जो चूहे बिल्ली का शिकार करने वाले होते हैं वो लोग कीड़े मकोड़ों की तरह छोटे छोटे प्रॉफिट इंट्राडे में करते हैं और ऐसे लॉस जाना। अगर आपको शेयर का शिकार करना है तो आप इन्वेस्टिंग करिए और देखिए अगले 5 से 10 साल में आपके रिटर्न कितने शानदार होते हैं। तो आपको शेयर का शिकार करना है तो आप इन्वेस्टिंग करिए, और चूहे बिल्ली या कीड़े मकोड़े के शिकार करना है तो आप इंट्राडे करिए। ठीक है साथियों, तो चलिए आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।